हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बीए प्रोग्राम के टेस्ट एडिटिंग वाले प्रोग्राम्स पूरे कर लिए और उनके प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हमारे हैं स्प्रेडशीट वाले प्रोग्राम्स बताऊंगा आपको। इस वीडियो में आपको स्प्रेडशीट का फर्स्ट प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा एंटर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट। तो ये जो डाटा हमारा दे रखा है एक्सेल शीट में पढ़ना है। एक्सेल शीट ऐसी होती है, हमारी ग्रीन कलर का आइकन होता है इसका। ओके, तो ये डाटा बनना है सिंपली इसके अंदर। तो मैं आपको डाटा भर देता हूँ। हमारे अगर मैं डाटा भरने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम जल्दी करना है, प्रैक्टिकल्स करीब हैं, तो इसलिए मैं डाटा नहीं भरता, मतलब डाटा भर दूंगा ऑटोमेटिकली। आपको इसमें फंक्शन अप्लाई करना बताऊंगा, जैसे ये वाले जो फंक्शन हैं ये कैसे अप्लाई करें। डाटा में को यकीन है आप भर लेंगे अपने आप। ओके, तो यहाँ पे डाटा मैंने भर लिया है। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये बता देता हूँ, ये जो ये पूरा है इसे एक लाइन में कैसे लाएँ, रीजनल सेल्स प्रोजेक्शन को। इससे पहले सेल मर्ज करना पड़ेगा इसके लिए। तो सेल मर्ज करने के लिए पहले से सिलेक्ट कर लेंगे जिन भी सेल्स को मर्ज करना है। तो मर्ज के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है मर्ज सेल, इसे भी कर सकता है, राइट क्लिक करके भी मर्ज ऑप्शन आता है उसमें भी कर सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रीजनल सेल्स प्रोजेक्शन। सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर लेते हैं। और क्या इसमें दे रखा है, अप्लाई फॉर्मेटिंग एज फॉलो, स्टाइल टेल टाइम्स न्यू रोमन में होगा और 14 साइज होगा। इसका साइज 14 कर लेते हैं, साइज 14 और टाइम्स न्यू रोमन टी आई टाइम्स न्यू रोमन हो गया फॉन्ट। और क्या करना है, रिमेनिंग टेक्स्ट एरियल, बाकी जो टेक्स्ट है वो एरियल और फॉन्ट 10 में होना चाहिए। तो बाकी जो टेक्स्ट है हमारा इसका फॉन्ट 10 एरियल, एरियल ये है पहले से। और देख लेते क्या करना है, ये भी बोल्ड होना है, बोल्ड साइज बढ़ा देते हैं। तो अब और क्या करना है, हमें करना है स्ट्रेट नेम्स एंड क्यूटियर हेडिंग बोल्ड इटैलिक विथ ग्रे फिल कलर। ये जो हमारे स्ट्रेट नेम है और क्यूटियर की हेडिंग है इन्हें ग्रे कलर करना है। कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रे कर देते हैं, फिर ग्रे कलर हो गया और बोल्ड इटैलिक भी कर देते हैं, बोल्ड कर रखा है हमने, ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। एक है नंबर्स इन टू डेसिमल प्लेसेस, जो ये हमारे नंबर डाले हमने ये टू डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बनाने का ऑप्शन है, देखिए नंबर फॉर्मेट एट डेसिमल प्लेसेस, एक और बार एट डेसिमल, क्योंकि हमें टू डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो हो गया हमारा ये। और अब हमें चाहिए क्यूटीआर हेडिंग इन सेंटर अलाइनमेंट। क्यूटीआर की जो हेडिंग है वो सेंटर अलाइन होनी चाहिए, सेंटर अलाइन है, बाकी जो है लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। अब देखते हैं अप्लाई बॉर्डर टू होल डाटा, बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं डाटा पे। पहले सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा पे बॉर्डर आ गया।
लेते हैं क्वेश्चंस। ए पार्ट हो गया पूरा हमारा, बी पार्ट है कैलकुलेट स्टेट एंड क्यू टी आर टोटल, स्टेट और क्यू टी आर का टोटल मतलब कैलकुलेट स्टेट एंड क्यू टी आर टोटल। तो दोस्तों क्यू टी आर जो टोटल है मतलब निकालना है, तो ये जो डाटा मैंने भरा था ये रेट है। ओके तो अब हमें क्यू टी आर टोटल निकालना। टोटल निकालने के लिए मैंने आपको भी ये प्रोग्राम के लास्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं, सेल में मतलब हमें सब में ये वाला फॉर्मूला चाहिए, वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एंट्री से बनाता है, इसके नीचे से खींच देंगे जिस तरफ हमें ये वाला सेम फॉर्मूला चाहिए खींच देंगे, यहाँ पे इन सब की सम की फॉर्मूला आ जाएगी। देखिए तो इसमें सबका सम आ गया, मतलब क्यू टी आर क्यू टू थ्री फोर का सम यहाँ पे आ गया। टोटल आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है कैलकुलेट एवरेज फॉर ईच क्वार्टर, एवरेज कैलकुलेट करना है हर क्वार्टर के लिए। ओके तो एवरेज क्वार्टर के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे जिस सेल में हमें एवरेज लाना है उसके अंदर फॉर्मूला बन देंगे एवरेज, और यहाँ से यहाँ तक इसके ब्रैकेट के बीच में एवरेज के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर ये हम लिख देंगे कैसे लिख दिया बी थ्री टू बी सेवन एवरेज आ गया। और फिर से मतलब सब में सेम फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्यू टी आर वन टू थ्री फोर की निकाल लिया ना, तो ईच क्वार्टर की कैसे निकालेंगे, इसे जो नीचे हैंडल है इसे खींच देंगे यहाँ तक। तो इसे खींचने के बाद इन सब की एवरेज निकल गई, इस डाटा की है, इस डाटा की है, इसकी है, इसकी। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट इज इक्वल टू रेट इन टू टोटल। अमाउंट में फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट के सिम फॉर्मूला लिखेंगे, रेट क्या है हमारा सेल दिस जी थ्री है स्टार, से भी यहाँ पे इसे स्ट्रेच कर देंगे। तो हमारा ये प्रैक्टिकल पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अब अगली वीडियो में मैं सेकंड प्रैक्टिकल लाऊंगा, तो जल्दी आने वाली है वो वीडियो, तो आप ये सीखिए इससे बहुत सिंपल है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please give thumbs up to the video and subscribe our channel for latest news, press bell icon and share with your friends, jisse unki madad ho sake, keep supporting, thanks for watching.